दोस्तों 3 मार्च के दिन ही भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और औद्योगिक घराने के टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था। 3 मार्च 2020 को उनका 181वां जन्मदिन मनाया गया। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में उनका योगदान आज भी अतुलनीय है। टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेद जी टाटा के बारे में बतलाने वाले हैं कि वह कौन थे और उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जमशेद जी टाटा का पूरा नाम नुसीरवान जी टाटा था। उनका जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसीरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान में अपना व्यवसाय करने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, वह महज 14 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ मुंबई आ गए थे और व्यवसाय में उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। जब ये 17 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। 2 वर्ष बाद 1858 में ग्रीन स्कॉलर अर्थात स्नातक स्तर की डिग्री के रूप में वह वहां से उत्तीर्ण हुए और पिता के व्यवसाय में पूरी तरह वह जुट गए। उन्होंने हीराबाई दब्बू के साथ शादी की। दोस्तों, जमशेद जी ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने एक वकील के साथ काम करना शुरू किया। उनका इस काम में मन नहीं लगा। बाद में उन्होंने वकील का काम छोड़कर वह अपने पिता के साथ काम करने लगे। व्यवसाय में उन्हें बहुत ज्यादा रुचि थी। व्यवसाय के प्रति बेटे की लगन और कर्मठता को देखकर नसरवान जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अब ये अपना व्यवसाय भारत से बाहर फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जमशेद जी को चीन भेजा। जमशेद जी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े नगरों में अपने व्यापार की शाखाएं खोली। 19 साल की आयु तक जमशेद जी अपने पिता के साथ काम करते रहे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में बदल दिया। उस तेल कारखाना का नाम बदल कर उन्होंने अलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल बाद उन्होंने इसे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। देश के सफल औद्योगिकीकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी से सुविधा प्राप्त हो सके। अंततः अपने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वह स्थान इस्पात की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त खोज निकाला। जमशेद जी ने कहा कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके असहाय और कमजोर लोगों को सहारा देना ही सब कुछ नहीं है। विश्व प्रसिद्ध ताज होटल सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त है। ताज होटल के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी छुपी हुई है। सिनेमा के जनक लुमायक भाइयों ने अपनी खोज के 6 महीनों के बाद अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई में प्रदर्शित किया था। वैसे तो वे ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने मुंबई में भी शो रखने की बात सोची। 7 जुलाई 1896 को उन्होंने मुंबई के तत्कालीन आलिशान वाटसन होटल में अपनी 6 अलग-अलग फिल्मों के शो आयोजित किए। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोगों को ही आमंत्रित किया गया था क्योंकि वाटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते हैं। टाटा समूह के जमशेद जी टाटा भी लुमायर भाइयों की वह फिल्म देखना चाहते थे लेकिन उन्हें वाटसन होटल में प्रवेश नहीं मिला। रंग भेद की इस घृणित नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई। इस घटना के 2 साल बाद ही वाटसन होटल की सारी शोभा धूमिल हो गई क्योंकि एक ऐसे ही भव्य ताज होटल का निर्माण जमशेद जी टाटा ने शुरू करवा दिया था। 1903 में यह अति सुंदर ताज होटल बनकर तैयार
तैयार हो गया। कुछ समय तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती रहती थी जिस पर लिखा होता था ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। तत्कालीन मुंबई में ताज होटल की इमारत बिजली की रोशनी वाली पहली इमारत थी, इसलिए इसकी चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ होटलों में की जाने लगी थी। जमशेद जी का यह उद्यम उनके अन्य उद्यमों की तुलना में बिल्कुल अलग था। दोस्तों, आज टाटा संस का साम्राज्य नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर कार ट्रकों तक और वित्त से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर कहीं नजर आता है। जब कोई नया मैनेजर या कामगार टाटा समूह की किसी कंपनी में काम शुरू करता है तो उसे समूह के बारे में एक वाक्य में बताया जाता है कि हम किसी न किसी रूप में हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा हैं। टाटा समूह अपनी बाकी विशेषताओं के अलावा एक और बात के लिए जाना जाता है और वह है इसका केंद्रीय मूल्य। दोस्तों, 65 वर्ष की आयु में ही जमशेद जी टाटा का निधन हो गया। उनके बाद उनके पुत्र सर दोराब और सर रतन ने विविध योजनाओं को पूरा करके और कारोबार बढ़ाकर टाटा परिवार को प्रतिष्ठा ही नहीं अपितु विभिन्न क्षेत्रों में सहायता और दान की निधि का भी विस्तार किया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।